हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज। खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। बहुत से लोग इस चीज की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, और अगर कोई उनके हवाले से कुछ कह दे तो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि ना डर अकाब इन मुखालिफ हवाओं से। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। एंड द थिंग इज डेड कि चाहे आप फरिश्ते भी बन जाए लेकिन फिर भी दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। द ओनली वन जिसे आप मतलब अपने द थिंग इज डेड के सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर जिए, ठीक है। और एक और चीज, सारी जिंदगी जो ये सोचता रहेगा कि दुनिया में कोई भी मुझसे नाराज ना हो, कोई भी मुझसे दुखी ना हो, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो द थिंग इज डेड के अपने जात पे काम करें। खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों आपके साथ, ठीक है दोस्तों, आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ यकीनन काफी मजे की है, डिफरेंट सी है। और रेसिपी की तरफ चलते हैं और सवाल भी आपको बताते हैं आज का सवाल हमारा क्या है, ठीक है। और रेसिपी जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ यकीनन काफी मजे की है, जायकेदार है, टेम्पटिंग है। कबाब की दुनिया में बहुत ही खास दोस्तों रेसिपी शेयर कर रहे हैं आज आपके साथ, फिश नमकीन कबाब की। और फिश नमकीन कबाब के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। और फिश नमकीन कबाब के बाद गर्मी जितनी भी ज्यादा हो लेकिन उसके बाद जो चीज आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा रहनुमाई करती है, आपकी बॉडी की हेल्प करती है, ऑफकोर्स वाटरमेलन, तो तरबूज की एक उम्दा इंशाल्लाह ड्रिंक की रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ। रेसिपी की तरफ चलते हैं फिश नमकीन कबाब के लिए। मौजूद है दोस्तों फिश आधा किलो हाफ के जी, ठीक है। और फिश में यकीनन काफी फायदे, फिश में ओमेगा 3 काफी मकदार में होता है जो दिमाग के सेल को एनहेंस करता है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में दोस्तों फिश के बाद जो बाकी अज्जा मौजूद है उसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोल्ट, नमक ऐड करना है, चाट मसाला, लाल मिर्च कुटी हुई दोस्तों, क्रश रेड चिली, पिसा हुआ गरम मसाला दोस्तों इस फिश के जायके को और ज्यादा एनहेंस करेगा, काली मिर्च कुटी हुई, क्रश ब्लैक पेपर, बेसन मौजूद है, चने का आटा, अंडा बाइंडिंग के लिए ग्रीन चटनी के साथ पेश करना है, केचप के साथ मर्जी आपकी, लेमन भी ऐड करना है। और सबसे पहले दोस्तों पैन रखते हैं यहाँ, ठीक है, और प्रोसेस जारी बिल्कुल। सवाल आपको बताते हैं कुछ देर में दोस्तों, ऑयल ऐड करते हैं और फिश नमकीन कबाब की रेसिपी शेयर करें आज आपके साथ ऑन शेफ 21। ऑयल ऐड करते हैं दोस्तों, फ्राइंग जैसे कि आप जानते हैं 3 तरह की होती है, पैन फ्राई, शैलो फ्राई और तीसरी जो होती है डीप फ्राई, जो हम पाकिस्तान में डीप फ्राई करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और कॉल करके आप पार्ट बन रहे हैं शो का, कुछ देर में आपकी कॉल भी लेते हैं। देखिए ऑयल ऐड किया, ऑयल करते हैं अच्छी तरह से गर्म, जब तक ऑयल हो रहा रेडी क्यों ना हम इसकी तैयारी कर लें दोस्तों। इंग्रेडिएंट्स की ऐड करते हैं फिश का कीमा, फिश ताज़ा होना बहुत जरूरी है, फिश अगर ताज़ा हो उसमें सिर्फ नमक भी ऐड करें तो अमेजिंग फ्लेवर बनता है। मिक्सिंग करते हैं, मैरिनेशन करते हैं, और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले शामिल करते हैं वो अज्जा जहां से यकीनन जायके की इब्तिदा हुई, सॉल्ट दोस्तों 1/2 टीस्पून, सॉल्ट के बाद काली मिर्च कुटी हुई क्रश्ड, ब्लैक पेपर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और बहुत से लोग इंतजार करें सवाल का, सवाल आज बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज का सवाल सिर्फ इतना सा है कि 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, सवाल इतना सा, 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, आप जवाब देंगे कॉल करके। नमक में ऐड किया, नमक के बाद काली मिर्च, ठीक है, और साथ ऐड करते हैं पिसा हुआ गर्म मसाला जिसे दोस्तों हमने भून कर खुद पीस लिया था, 1/2 चाय का चम्मच गर्म मसाला शामिल किया, नमक, काली मिर्च के बाद गर्म मसाला, जरा सी लाल मिर्च कुटी हुई इसी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, कोई 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टेबलस्पून, ठीक है, नमक, गर्म मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च के बाद अदरक लहसुन शामिल किया, कर लेते से अच्छी तरह से मिक्स, अच्छी तरह से मैरिनेट, अगर सब चीजों का जायका फिश के अंदर तक घुस जाए और उसका वही फ्लेवर या जायका टेक्सचर बने जो मनाना चाह रहे थे, बहुत अच्छी तरह से आपने मैरिनेट करना है, ठीक है। ये देखिए आप
ठीक है दोस्तों, मैरिनेट करना है, ऑयल हो रहा है तैयार और प्रोसेस जारी। आप देखें शेफ 21 दोस्तों, ये रेसिपीज हमारी आप यकीनन इंटरनेट की दुनिया में सर्च कर सकते हैं। शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जरूर लाइक कीजिए, वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब की दुनिया में लिखेंगे शेफ इकबाल शाह तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिलेगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिश में सब अज्जा मैरिनेट किए, साथ ही एक अज्जा जो फिश का बेहतरीन दोस्त होता है, लेमन। एक लेमन लिया और अतिया मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अतिया, आप बताइए खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। रमजान में फिश खिला रहे हैं आप, गरम है ना? रमजान में क्या फिश गरम नहीं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया अतिया, और थैंक यू सो मच, आपको ऑनर इसका जवाब देता हूँ। और सवाल का जवाब देंगी, 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं? 1 टीस्पून में 5 ग्राम होते हैं। 5 ग्राम होते हैं, ठीक है। कोई फरमाइश थी आपकी? फिश के अलावा कुछ और बनाइए। अच्छा, तरबूज की ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ठंडा, मजा करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमक, काली मिर्च पिसा हुआ, गर्म मसाला, अदरक लहसुन के बाद लेमन ऐड करें, जिसके बिना सी फूड समझ लीजिए कि उसका फ्लेवर उठता ही नहीं है, ठीक है। ऐड किया और करते हैं मिक्स। और बहुत से लोग ये कह रहे थे गर्मियों में फिश ना खाइए, आपको बताऊं दोस्तों के फिश में सबसे कम कैलोरीज होती है, कॉम्पिटिवली बीफ से भी, चिकन से भी, मटन से भी सबसे कम कैलोरीज फिश में होती है। और बीफ, चिकन, मटन सबसे हल्की गिजा जो होती है फिश ही होती है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आप खा सकते हैं, इट डिपेंड, कम नॉर्मल क्वान्टिटी में खाए इसका मतलब नहीं बहुत ज़्यादा खाएं आप, ठीक है। पूरा साल आप यकीनन खा सकते हैं। फिश के अंदर ओमेगा 3 होती है जो दिमाग के लिए अच्छा, दिमाग सेट चलना बहुत जरूरी दोस्तों, ठीक है। मिक्स कर चुके हैं और साथ ही ऐड करते हैं, अच्छा मैरिनेट कर लीजिए अच्छी तरह से, और प्रोसेस जारी है। सवाल है 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं? अतिया ने जवाब दिया कि 5 ग्राम, आप अपना जवाब दे सकते हैं। साथ ही ऐड करते हैं बेसन भी दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ठीक है। और बहुत अच्छे दानेदार की हमने फिश का कीमा लिया, बेसन 1, 2 और ये 3 खाने के चम्मच दोस्तों बेसन शामिल किया। अंडा लिए कदर, और कभी भी डायरेक्टली ऐड ना करें, ठीक है। अंडे को दोस्तों अलीदा से बाउल में इस तरह ऐड किया, उसके बाद अंडा भी इसी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से करते से मिक्स, ठीक है दोस्तों। मसाले, मसाले के बाद बेसन ऐड किया, अंडा ऐड किया, और बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपने मैरिनेट करना है। ऑयल हो रहा है तैयार, और साले 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, इस तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, देखिए कितनी जबरदस्त इसकी कोटिंग हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत अहम पार्ट होता है, जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर बनेगा, ये बहुत जरूरी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है दोस्तों आपने, ठीक है, ये बहुत अहम चीज होती है। जिस तरह आटा गूंदा सही से ना जाए रोटी कभी अच्छी नहीं बन सकती, इसी तरह इसका भी एक टेक्सचर नहीं आएगा जब तक सही से मिक्स ना करें। गुड स्पून से आप चाहें मिक्स कर सकते हैं, इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हवाई दस्ते में साबुत धनिया क्रश कर रहा हूँ, आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21।
आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं शेफ 21 और यकीनन मुझे कहते हैं इकबाल आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। सवाल इतना से पूछा है कि 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं। दोस्तों जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, फिश नमकीन कबाब, और सिर्फ एक कबाब भी बनाया है लेकिन फिश की खुशबू से हमारे स्टूडियो बिल्कुल महक उठा हुआ, अमेजिंग कबाब, और बाकी आपके सामने बनाते हो। ना सिर्फ फिश दोस्तों, हर जगह जो बात की जा रही गर्मी की, तो एक चीज जो गर्मी का बेहतरीन मुकाबला करती है दोस्तों, वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज और शहद की ड्रिंक आज शेयर करने जा रहे हैं। तरबूज के अंदर दोस्तों 92% पानी होता है। तरबूज के बीज कैंसर से फाइट करते हैं और यकीनन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जरूर आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, डेफिनेटली इट्स बेस्ट इस वेदर में। लेकिन फिलहाल हम फिश की रेसिपी को आगे ले चलते हैं। फिश में सब मसाले, बेसन, नमक हमने मिलाया था, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च कुटी हुई, अदरक लहसुन, लेमन जूस, बेसन और एक अंडा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद कबाब बनाते हैं दोस्तों। हाथ पे अपना हल्का सा ऑयल लगाना है, ठीक है। उसके बाद कबाब बनाने के लिए मर्जी आप कौन सी आप शेप बनाना चाहते हैं। ऑयल हो रहा है गर्म, ठीक है। कबाब के लिए हल्का सा ऑयल लगाया, उसके बाद आपने उठाया कबाब, ठीक है। और जब भी आप कबाब बनाए दोस्तों, हल्का सा दबाना आपने इस तरह, ठीक है, ठीक है, हल्का सा दबाना। उसके बाद इस तरह सेट करना है जिस तरह सीख कबाब बनाते हैं, ठीक है। ईरानी कबाब भी इसी तरह बनते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह आपने सेट किया और सेट करने के बाद आपने ऑयल में एड करते रहना है। हल्का सा फिर से ऑयल अप्लाई किया दोस्तों, ठीक है, हल्का सा ऑयल। उसके बाद एक एक कबाब बनाते जाएंगे, प्रोसेस जारी दोस्तों, ठीक है। इस तरह आपने दबाया, उसके बाद कबाब बनाए दोस्तों। सिंपली कोशिश कीजिए एक ही साइज की हो तो अमेजिंग बनेंगे। सवाल इतना सा है दोस्तों के 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं। कबाब बनाते जा रहे हैं, प्रोसेस जारी है, खुशबू बहुत ही आला। और दोस्तों बाकी रमजान टिप की बात की जाए तो पानी का इस्तेमाल यकीनन ज्यादा करें, ठीक है, जो बहुत जरूरी दोस्तों, ठीक है। तरबूज का इस्तेमाल करें, ड्रिंक्स ज्यादा रखिए सहरी में भी, अफ्तार में भी, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर एक कबाब आपने प्रेस किया इस तरह, और इस तरह आपने सेट करते रहना और डायरेक्टली आपने स्प्रेड करें। अच्छा, सीख कबाब की बात कीजिए दोस्तों, इसमें भी काफ़ी वैरायटी होती है, काफ़ी अंदाज की बनती है, लेकिन अब आज हम फिश नमकीन कबाब, तो हेल्दी और बहुत मजे के इंशाल्लाह। चटनी का होना जरूरी है, इस तरह दबाया और कबाब इस तरह सेट करें, ठीक है। इस तरह आप बनाते जा रहे हैं, हल्का सा ऑयल, उसके बाद इस तरह से आपने इसे सेट करना है। ठीक है दोस्तों, फिश कबाब हो रहे हैं तैयार, और आप बता सकते हैं कि 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑयल देख रहे हैं फ्राई हो रहे हैं, और बाकी ऑयल का परफेक्ट गर्म होना जरूरी, ना ज्यादा ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो, ठीक है। तो इस तरह बनाइए तो इंशाल्लाह मजे के होंगे। फिर से इस तरह सेट किया और साथ ही से हम फ्राई करते जा रहे हैं, हल्का सा ऑयल इसमें ऐड करते हैं दोस्तों, क्योंकि जाहिर है बहुत जरूरी है ऑयल अप्लाई करें ताकि ये आपके हाथ से लगे ना, चिपके ना, और इजीली आप इसे तैयार कर सकें, ठीक है। और कबाब की बात कीजिए दोस्तों, इसमें ये होता है कि आपने दिन में ही आपने मैरिनेट करके रख लिया, अफ्तार कर लिया, अफ्तार के बाद आपने फ्रिज से निकाला, ठीक है। जिस तरह हमारे पास मौजूद है गाबा नेशनल का बहुत खास फ्रिज, ठीक है, तो बिल्कुल गाबा नेशनल के फ्रिज में भी प्रिजर्व कर सकते हैं मैरिनेटेड फिश कबाब, और अफ्तार के बाद आपने फ्रिज से निकाला और कबाब आपने बनाकर आपने बना लेना है। और दूसरा, जमा हुआ होंगे जब होंगे तो उसके बाद इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी दोस्तों। देखिए कबाब प्रोसेस जारी है इसका, हल्का सा फिर से ऑयल लगाया, ठीक है, उसके बाद कबाब बना रहे हैं। सवाल इतना सा है कि 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रुखसाना जैदी जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन फिश जो है वैसे भी वाकई हर मौसम में खानी चाहिए, जैसे आपने भी बताया। हम लोग भी हमेशा तो ये नहीं देखते कि सर्दी है या गर्मी है, क्योंकि इसमें खासियतें हैं। तो मीट जो है सबसे अच्छा फिश और चिकन यही कहलाती है अगर देखा जाए तो, है ना? लेकिन जो है जी बिल्कुल, और लोग उसको पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं गर्मी में, मुझे सब समझ में नहीं आता। जी जी बिल्कुल,
अच्छा दूसरा ये कि आपके सवाल का जवाब है 4 ग्राम्स होते हैं एक टी स्पून में। कितने होते हैं? 4 ग्राम। 4 ग्राम होते हैं 1 टीस्पून में, ठीक है। अच्छा आज आपकी अवतार में क्या बन रहा है रुखसाना जी, कुछ खास है? नॉर्मल पकौड़े बना रहे हैं, उसके अंदर आलू के जैसे वो फ्राइज होते हैं वो बना रहे हैं, और उसके साथ थोड़े से छोले बना रहे हैं बस, ज्यादा नहीं बना रहे। क्या बात है, फिर हम खाना नहीं खाएंगे, हम लोग यही खाएंगे बस। सही है बिल्कुल, अब लाइट भी खा सकते हैं और बहुत जरूरी है हेल्दी खाना खाया जाए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने रुखसाना जी। जी जी बोलिए। आपसे एक बात करनी थी। जी जी प्लीज। मुझे ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि आपने और आपकी टीम में इतनी हिम्मत है कि सारे रमजान पूरे दिनों में कोई छुट्टी नहीं कर रहे और हम लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के ला रहे हैं, तो बहुत थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई थिंक मोहब्बत है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों रुखसाना जैदी जी मौजूद रही, कबाब देखिए, फिश कबाब जैसे एक साइड से ब्राउन हुए तो आपने टर्न करना है। और एक और आपको बात बताऊं, जो फिश के शौकीन है दोस्तों वो बहुत खास जगहों पर जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। और जिस तरह हैदराबाद की बात करें, वहाँ की पल्ला मछली बहुत मशहूर है, ठीक है। तो कोई भी फिश हो लेकिन जब अच्छी हो तो उसका अपना ही मज़ा। फिश कबाब हो रहे हैं तैयार, प्रोसेस जारी है। सवाल है कि 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं। लेबनीज कबाब भी बनते हैं, ईरानी कबाब भी बनते हैं, और कबाब तो दुनिया भर में बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, कबाब दुनिया भर में बनाए जाते हैं। इस तरह से आपने टर्न करना, वाह ठीक है। और इसका देखिए परफेक्टली ब्राउन होते जा रहे हैं, जैसे ब्राउन होंगे उसके बाद से निकालना है, प्रोसेस जारी है। और कॉल के जरिए शो के सब ने सवाल पूछा है कि 1 टीस्पून में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। और बस जैसे ही फ्राई होते हैं उसके बाद से निकालते हैं, ठीक है। और ये अमेजिंग 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 रेसिपी बिल्कुल हो रही तैयार, ठीक है। और बाकी दोस्तों बारबेक्यू फ्राइड चीज़ों इसमें आप बनाकर रख नहीं सकते, इसमें आप बनाकर रख नहीं सकते, ठीक है। उसी टाइम आप बनाइए गरम गरम, उसका अपना ही मज़ा, ठीक है। और इस तरह प्रोसेस जारी है दोस्तों, टर्न भी करना है, फ्राइंग का सिलसिला जारी है। फिश कबाब, फिश नमकीन कबाब बना रहे हैं हम। चटनी बहुत मजे क्योंकि तरबूज भी मौजूद है, और इसके कोई काफ़ी ड्रिंक बनती है लेकिन इसको तरबूज की हम ड्रिंक बनाएंगे शहद के साथ, हनी के साथ मिक्स करेंगे दोस्तों, जिससे और भी मज़े के होंगे, ठीक है। अच्छा जब तक फिश कबाब हो रहे हैं तैयार, इसके हम चलते हैं प्लेटर बनाते हैं, ठीक है। और प्लेटर की करते हैं तैयारी भी, सलाद पत्ता रखते हैं, कुछ और चीज़ें भी, ठीक है। और लेमन का होना बहुत ज़रूरी, लेकिन फिश भी हो रही है तैयार, ठीक है। जैसे बस परफेक्टली ब्राउन होंगे उसके बाद निकालना आपने। चूल्हा ज़रा सा तेज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी एक गुजारिश है मेरी आपसे कि गर्मियों में इमली की चटनी ज़रूर रखिए आप। इमली आलू बुखारे की चटनी वैसे ठंडी होती है, हाजमे को बूस्ट करेगी, और जब आप 16 घंटे का रोज़ा रखने के बाद डायरेक्टली अफ्तार ही खाते हैं, इससे भी आपका मैदा दर्द का बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एक साथ चीज़ें खा लेना बेहतर नहीं होता, ठीक है। तो टाइमिंग रखिए और चटनियाँ ज़्यादा रखें तो ये हाजमा सही काम करेगा, तो आई थिंक बेहतर डाइट भी ले सकेंगे और इबादतें भी आप बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। और माशाल्लाह क्या ही बात है कि हम मुसलमान रमज़ान में इबादतों का सिलसिला जारी है, रोज़े भी रखे जा रहे हैं, नमाज में तरावियों में रश नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो प्रोसेस जारी है, फिश कबाब हो रहे हैं फ्राई, अमेजिंग खुशबू। आप चिकन बनाएं फ्राई करें लेकिन फिश बनाएं तो उसकी अलग ही खुशबू होती है। कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुना ठीक है? जी जी मजे में ठीक ठाक। क्या कहेंगी हम? हाँ मैंने कल दही पल्ले बनाए थे, आपने परसों बनाए थे ना, तो वो बड़े टेस्टी बने थे, कल बनाए थे मैंने। क्या बात हुमा, और आज की अब अफ्तारी हो गई तैयार या बनाएंगी? जी मैं तकरीबन जी मैं ना चाट वगैरह जो फ्रूट चाट है वो बना के रखी होती हूँ, छोले वगैरह ये बस थोड़े पकौड़े ना थोड़ी सी जरा पहले 10 मिनट पहले। अच्छा हुमा, बहुत से लोगों को लगता है कि रमजान में शायद औरतों के काम कम हो जाते हैं, तो क्या ये सच्चे कम हो जाते हैं या डबल ज्यादा हो जाते हैं? कम नहीं होते माशाल्लाह से, अल्लाह ताला देखो बरकत भी देता है, दस्तरखान पे बहुत ज्यादा काम हो जाता है। ज्यादा काम हो जाते हैं ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है।
चले ये बताए अवतार के बाद हैं मौजूद ही आप? जी 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 जी। अवतार के बाद जब फिश नमकीन कबाब हो तो कैसा रहेगा उमा? नहीं बहुत मजे का, मेरे बेटे की तो कैसी है और मैं तो फिश नहीं है, मैं इंशाल्लाह ताला मैं आज बनाती हूँ तो इंशाल्लाह ताला एक दो रोज में जाऊंगी तो लाऊंगी। जी तो जी बनाऊंगी जरूर जरूर, सवाल का जवाब देंगी। जी जी बन... हेलो जी जी फरमाइए। जी जी 1 टेबल स्पून तो 4 ग्राम। ओके जी थैंक यू अल्लाह। दोस्तों हम मौजूद ही कबाब देखे, जैसे ये फिश के कबाब गोल्डन ब्राउन हो चुके उसे निकालते हैं ठीक है, और इस तरह से आपने सेट करते रहना, सेट कर रहे हैं परफेक्टली गोल्डन ब्राउन, अंदर तक कीमा गल चुका है, चटपटे हैं, मजे के हैं और देख रहे हैं कैमरे की नजर से काफी दिलकश लग रहे हैं फिश नमकीन कबाब ठीक है, और प्रोसेस जारी, बस परफेक्टली ब्राउन करना है, कलर अच्छा आना जरूरी है दोस्तों, जो टेम्पटिंग भी लगते हैं और अच्छा लगता है। दोस्तों फिश कबाब निकाल रहे हैं और तरबूज की ड्रिंक भी करनी है तैयार, लेकिन आप जो छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में है ना। आइए दोस्तों वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद कहते हैं, देखना शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह, एंड आज रेसिपी शेयर करें फिश नमकीन कबाब, अमेजिंग खुशबू, जायकेदार, टेम्पटिंग और अंदर से जूसी दोस्तों कबाब हो चुके हैं तैयार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम से निकालते हैं, पेश करते हैं, ऑन टॉप इमली की चटनी आ जाए तो उसका अपना ही मजा, या गार्लिक सॉस के साथ पेश करें दोस्तों, सर निकाल लें कबाब ठीक है, और कबाब के साथ ही आपने हल्का सा क्या करना है दोस्तों के गार्लिक सॉस है कैचअप के अंदर, हमने गार्लिक ऐड किया था, इस तरह आपने ऑन द टॉप ऑफ कबाब इस तरह ऐड किया, आप चाहें तो इमली की चटनी भी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, इमली की खटास भी ऐसे दिल को ललचाती, कबाब का सॉफ्ट जूसी होना जरूरी दोस्तों, सीख कबाब भी हो मजे की हो जायकेदार हो चटपटे हो, लेकिन जब आप बाइट लें तो सॉफ्ट जूसी ना हो तो मजा नहीं आता, तो उसका जूसी होना डेफिनेटली जरूरी है। इस तरह से दोस्तों आपने ऐड किया, उसके बाद जरा सा लेमन ठीक है, लेमन के रंग इस तरह आपने रखते रहने ठीक है, जो इसे और ज्यादा टेम्पटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों ये हो चुके हैं तैयार, जरा सी कैबेज करते हैं चॉप, बस हो चुका है, और इस तरह आपने इस तरह कैबेज भी ऐड किया, क्लीनिंग डेफिनेटली जरूर दोस्तों, कबाब कुछ और भी बाकी है जो हम बनाएंगे, थैंक यू सो मच यू ऑल। अब चलते हैं तरबूज की ड्रिंक की जानिब, और जिस तरह हमने कहा कि तरबूज के अंदर कोई 92% पानी होता है, तरबूज के बीज कैंसर से फाइट करते हैं एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर दी हेल्थ, स्पेशली गर्मी में बहुत अच्छा ठीक है, और तरबूज को काटते हैं दोस्तों, तरबूज और शहद हनी के ड्रिंक बना रहे हैं, तरबूज काट लेते हैं, ठीक है दोस्तों निकाले, उसके बाद ये रखा स्ट्रेट और देखिए बिल्कुल लाल रेड, डेफिनेटली टेम्पटिंग, इस तरह से आपने काटने तरबूज, वाह दोस्तों ब्लड बनाता है 92% पानी जिस तरह हमने कहा, तो बहुत ही अच्छा ठंडा करके आप खाएं, और इतना टेम्पटिंग है कि एज इट इज भी अगर आप
सिर्फ लाहौरी नमक या लेमन लगाकर खाएं तो आपको मजा आएगा। ठीक है, एंड लास्ट इसी तरह आपने स्लाइस करने के बाद इसकी हम काटते हैं दोस्तों। वाह, डेफिनेटली सीम्स अमेजिंग। और भी पीस कर सकते हैं इसके, लेकिन कम कर। दोस्तों बल्कि इस बाउल में ऐड करते हैं। ठीक है, यहां जो मौजूद से काट लेते हैं हम तरबूज को, और इस तरह क्यूब काट लेना है। जूसर मशीन लाते हैं और इसमें ऐड करते हैं दोस्तों वाटरमेलन। ठीक है, बहुत से लोग कॉल करें, हम सो सॉरी इस वक्त आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे, बट थैंक यू सो मच यूल साथ रहने के लिए। तरबूज, वाटरमेलन, ठंडा, मजे का, और स्पेशली इसे आप जब पेश करें फिश कबाब के साथ तो यकीनन अफ्तार और खास बन जाती है आपकी। ठीक है, कुछ और तरबूज लिया इस तरह, ये सर, और इसे भी इस तरह से आपने काट लेना है। ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों इसमें हल्का सा ऐड करना है शहद, हनी। दोस्तों यकीनन विदाउट एनी डाउट हनी के बहुत ज्यादा फायदे, शहद शामिल कर रहे हैं लगभग 4 खाने के चम्मच 4 टेबलस्पून के बराबर। हनी के साथ ही पिंच ऑफ लाहौरी नमक दोस्तों, ठीक है, लाहौरी नमक ऐड किया, एंड साथ ही लेमन की खटास, नींबू, ठीक है, लेमन भी ऐड किया। और उसके बाद हरी मिंट कॉकटेल के लिए करते हैं मिक्स, और कुछ पत्ते पुदीने के, वैसे ही आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। करते हैं बंद और प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। हल्का से सिया आपने दोस्तों इस तरह प्रेस करना है, दबाना है। ठीक है, और प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। जिस तरह का तरबूज के अंदर 92% पानी होता है ना, आपने पानी ऐड करना है ना दूध, ठीक है, इसके अंदर पानी होता ही। देखो वाह, कुछ और वाटरमेलन ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए, इसमें नींबू की खटास है, लाहौरी नमक और पुदीना। और शहद का मजा भी, ठीक है दोस्तों, और इसमें हल्का सा लेमन फिर ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खटास इसकी दोस्तों, लेमन की वजह से दिल को ललचाती, लेकिन एक टेम्पटिंग फ्लेवर आएगा इस मौसम में, गर्मियों में बहुत अच्छा। और हो चुका है तैयार। अच्छा, कबाब के ऊपर दोस्तों, कबाब अपने बनाकर ऐसे अगर पेश कर लिया तो मजा नहीं आएगा, ऑन टॉप जरा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। ठीक है, देख रहे हैं कबाब के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ कबाब स्प्रिंकल करना है चाट मसाला। फिश नमकीन कबाब हो चुके हैं तैयार, तरबूज की ड्रिंक, और तरबूज अच्छा खासा दोस्तों, इसका सैलड बनाएंगे, ठंडा करके जरूर खाएं, 92% पानी, और इसके यकीनन बहुत फायदा है। ग्लासेस रखे यहाँ, और इसके बाद ठंडा और ये शहद वाला हनी एंड वाटरमेलन ड्रिंक। वाह, हो चुकी है तैयार दोस्तों, सफाई बहुत जरूरी है, और थैंक यू सो मच यू ऑल साथ रहने के लिए। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, दिल तो नहीं चाह रहा, बट दैट्स हाउ इट गोज, कितना आना जाना जाकर आना है, ये जीवन का खेल पुराना, जरा सी सफाई बहुत जरूरी है। वाटरमेलन ड्रिंक और फिश नमकीन कबाब भी हो चुके हैं तैयार, जरा सी सफाई। थैंक यू सो मच यू ऑल के साथ, मुझे शफीक बादशाह को, हमारी पूरी ग्रेट टीम के साथ दीजिए इजाजत, खुश रहें, शादवाबाद रहें, इसी बात के साथ कि अक्सर लोग जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं, उनसे इतना ही कहूंगा जो कहते हैं ना कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थैंक यू सो मच यू ऑल, अल्लाह हाफिज। क्या गिरा?